हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टूडेंट्स पॉइंट तो रिसेंटली एक न्यूज़ आई जिसमें आसाम और मिजोरम के बॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट में वायलेंट क्लास देखने को मिला और साथ ही ये क्लास इतनी आगे पहुंच गई कि फायरिंग भी वहां देखने को मिली तो एग्जैक्टली exactly हुआ क्या क्यों हुआ क्या कुछ हुआ वहां पे वी विल अनलाइज एवरीथिंग साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका जवाब देना है आपको कॉमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बॉर्डर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एग्जैक्टली exactly हुआ क्या तो आसाम के कचरा डिस्ट्रिक्ट के लैलापुर विलेज में कुछ रेसिडेंट्स हैं उनका क्लैश हो गया मिज़ोरम के कोलासिब डिस्ट्रिक्ट से ये दोनों डिस्ट्रिक्ट बॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट हैं आसाम और मिजोरम के बीच और बहुत ही डिस्टर्बिंग इमेज हमें देखने को वहाँ पर मिले हैं हालांकि ये इंसिडेंस कोई नया इंसिडेंस नहीं है इससे पहले भी इसी साल अक्टूबर के मंथ में एक सिमिलर क्लास देखने को मिला था बिटवीन करीमगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम और मामित डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम तो वाक़ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमें अक्सर बॉर्डर क्लासेस देखने को क्यों मिलते हैं तो रीज़न डेट बैक करता है ब्रिटिश रूल के टाइम से ही ब्रिटिश रूल के टाइम ब्रिटिशर्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के लिए अपने बेनिफिट्स के लिए आसाम को बहुत सारे इनर्स लाइन में डिवाइड किया था इन्हीं इनर लाइंस में डिवाइड करने के लिए उन्होंने दो नोटिफिकेशन इशू किया था एक नोटिफिकेशन इशू किया था उन्होंने नोटिफिकेशन ऑफ 1875 और दूसरा नोटिफिकेशन उन्होंने इशू किया था 1933 में नोटिफिकेशन अठारह सौ पचहत्तर में क्या था कि लुसाई हिल्स को प्लेन्स ऑफ कचर डिस्ट्रिक्ट से डिवाइड किया गया और अंग्रेजों के टाइम में लुसाई हिल्स को लुसाई हिल्स एक्चुअली मिज़ोरम के लिए यूज़ किया जाता था साथ ही 1933 में जो नोटिफिकेशन इशू किया गया उसमें लुसाई हिल्स को मणिपुर से डी किया गया तो आखिर क्लास किस बात की है तो क्लास इस बात से है कि दोनों स्टेट आसाम और मिज़ोरम अलग अलग दोनों नोटिफिकेशन को फॉलो करना चाहते हैं मिज़ोरम का कहना है कि नोटिफिकेशन ऑफ 1875 जो है वो वैलिड डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर करता है वहीं आसाम स्टेट कहती है कि 1933 का नोटिफिकेशन ही वैलिड डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर को करता है मिज़ोरम कहता है कि अठारह नोटिफिकेशन इसलिए जायज़ है क्योंकि ये डिराइव करता है फ्रॉम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 साथ ही मिज़ोरम गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जब 1933 का नोटिफिकेशन इशू किया गया तो उस एग्रीमेंट में मिज़ोरम एक पार्टी नहीं था तो जब मिज़ोरम पार्टी नहीं था तो उस डीमार्केशन का कोई वैलिड मीनिंग होता नहीं है तो ये हम बात कर रहे हैं इस एरिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की प्रिसाइसली यहाँ आसाम की प्रॉब्लम इस बात से भी है कि आसाम का बॉर्डर डिस्प्यूट सिर्फ मिजोरम के साथ ही नहीं है बल्कि कई अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ हैं इनफैक्ट आसाम और नागालैंड में इससे भी ज़्यादा वायलेंट बॉर्डर क्लैश इन द दे पास्ट देखने को मिले हैं तो हम समझने की कोशिश करेंगे आगे कि आसाम का बॉर्डर डिस्प्यूट्स इतने सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ क्यों हैं तो इसके पीछे कारण ये है कि ब्रिटिश रूल के टाइम आसाम में आज का जो नागालैंड है आज का अरुणाचल प्रदेश स्टेट है आज का जो मेघालय है और मिजोरम है ये सारे स्टेट्स उस टाइम ब्रिटिश रूल के टाइम आसाम के ही पार्ट थे लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे इन स्टेट्स को आसाम से अलग कर दिया गया लेकिन बॉर्डर्स को डिमार्केट ठीक से किया नहीं गया साथ ही आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कोई ऐसी मेजर स्टेप ली नहीं अपनी ओर से टू डिवाइड एंड डीमार्केट बॉर्डर्स बिटवीन ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और यही वो कारण है कि आसाम का इतने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट है नाव वी विल सी द क्वेश्चन क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे पाओगे अगर आप हमारे डेली करेंट अफेयर्स वीडियोज़ को फॉलो करते हो तो लेकिन उससे पहले अगर आप यू पी एस सी और इस्टेट पी सी एस ट्वेंटी ट्वेंटी वन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे नए बैच के साथ बैच फॉर यू पी एस सी एंड स्टेट पी सी एस हैज़ ऑलरेडी बिगन The classes for that will begin from 1st of November, and if you want to subscribe, go to the link given in the comment section at the top, as well as in the description box of the video. sath hi is course ke details ko janne ke liye aap hamare इस video को, को देख सकते हैं जिसका link मैं I button में share कर दूँगा उस video में इस course की सारी जानकारी दी गई है in detail. और आप हमें follow कर सकते हैं telegram पे भी by writing the channel's name students point आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय राइटिंग द यूजर नेम द स्टूडेंट्स पॉइंट अब है आज का क्वेश्चन क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद आसाम सो इफ हैव बीन फॉलोइंग आवर डेली करंट अफेयर्स वीडियो यू मस्ट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन दीज आर द ऑप्शन रेड द ऑप्शन एंड देन आंसर सो आई होप यू फाइंड द वीडियो यूजफुल वी विल मीट अगेन इन सिमिलर काइंड ऑफ वीडियो अगेन अंटिल दैन स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग